हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटरसाइकिल से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय जो है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जिसमें जो है बहुत दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को भी और टीचर्स को भी। कोर्स को कंप्लीट करने का प्रेशर बहुत ही बना हुआ है और कोर्स आप मानिए बहुत ही कम चांस है कोर्स के पूरी तरह से कंप्लीट होने के। तो इसलिए इसी को देखते हुए मैं कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप केवल ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे वीडियो में जिससे कि कोई फेल होने वाला बच्चा भी हो आराम से पास हो सकता है, और जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो थोड़ा सा और मेहनत करके और अच्छे नंबर ला सकता है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, हाई स्कूल और इंटर दोनों में मैथ के वीडियो में थोड़ा सा चेंज होगा। अब आपको केवल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं विगत वर्षों में वो पूछे गए हैं, केवल वही क्वेश्चन जो है वो आपके मेरे वीडियो में आने वाले हैं। उसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस को हटा लूँगा, उसके बाद वो जो है आपको वीडियो में देता रहूँगा। सारे वीडियो मेरे 30 मिनट से ऊपर के ही होंगे, उससे नीचे के नहीं होंगे, क्योंकि मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में मैं आपको दे सकूँ और वही क्वेश्चन आपको दे सकूँ जो कि विगत वर्षों की परीक्षा में यूपी बोर्ड में पूछे गए हों, चाहे वो 12th के हों या वो 10th के हों। मैथ के वीडियो पहले प्रोवाइड होंगे आपके लिए, फिर उसके बाद इंग्लिश के वीडियो भी प्रोवाइड मैं करूँगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, मैं बहुत दिनों से आपको वीडियो जो है नहीं दे पा रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि जो सिलेबस जो है सिलेबस से पढ़ाना जो है आप ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षाएँ भी जल्दी ही होने वाली हैं। अब आप देखें तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब हम सिलेबस से पढ़ेंगे, लेकिन अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे एक तरफ से चैप्टर वाइज। जैसे समाकलन लिया तो समाकलन के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, पहले एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन पहले हम कर लेंगे। फिर अवकलन, फिर इसी प्रकार से चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद टाइम जब हमारे पास शेष होगा तो उसके मॉडल पेपर भी मैं आपको बना के दूंगा, जिसको गेस पेपर बोलते हैं, मैं गेस पेपर भी आपको बनाकर देने वाला हूँ इस पर, और मैं आपको सोल्यूशन भी प्रदान करूँगा। और उसके बाद में जो गेस पेपर दूंगा आपको कमेंट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देना है। तो ये मेरी रणनीति है वीडियो के बनाने की, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको